वाराणसी से अंकुर मिश्रा पत्रकार की खास रिपोर्ट। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले पर बड़ी खबर। हिंदू पक्ष के हक में जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला। वाराणसी श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले पर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आया है। वाराणसी के जिला जज ए के विश्वेश ने ये फैसला सुनाया है। वाराणसी जिला अदालत ने फैसला हिंदू पक्ष के हक में दे दिया और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर मुकर्रर की गई है। कोर्ट ने कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनने योग्य है और अगली मामले में सुनवाई आगामी 22 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष में फैसला आने से लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी में धारा 144 लागू है। संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा, स्वागतम काशी। देखिए, बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। जो भी फैसला आएगा, चाहे हिंदू पक्ष में हो चाहे मुसलमान पक्ष में हो, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ताना बाना का शहर है। यहाँ पर शांति और सौहार्द का जो माहौल है वो कायम रहना चाहिए और किसी तरह की कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि देश को अशांत करे, राष्ट्र को अशांत करे, और साथ में क्या कहते हैं कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे, जैसा कि सीपी साहब ने बार बार लोगों से कहा है। और पूरा विश्वास है कि सब उस फैसले को स्वीकार करेंगे और शांतिपूर्वक स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये न्यायपालिका पे है और हमें पूर्ण विश्वास है। क्या लगता है आपको, आज फैसला आ जाएगा क्या? फैसला जैसे निर्धारित किया गया है कि आज जिला जज की अदालत में फैसला निर्धारित है और 2 बजे तक प्रस्तावित है, और उम्मीद है कि पूरा फैसला आएगा और जिसके पक्ष में आएगा वो उसको स्वीकार करना होगा सभी को। अजय शास्त्री गुरु जी, आज बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, तो आज इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया बड़ी सकारात्मक है और ऊर्जा से भरा हुआ है। आज जो फैसला आएगा उसको हम और दोनों पक्ष को शांति से सुनना चाहिए। जो भी हो वो अच्छा हो, उनके प्रति भी हमारा पूरा स्नेह है, और इसको लेकर के आगे की कार्यवाही जो करनी है उस पर हम तत्पर रहेंगे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है। कितना सक्रिय है पुलिस इस क्षेत्र में जी? आज जिस व्यवस्था को देखते हुए माहौल, जो सा जानते हैं आप कि विष्णु जी पर जूता उठा दिए थे लोग मारने के लिए, और इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो प्रशासन जो है कुछ टाइट है। सोहनलाल जी को मारने की धमकी आई थी, आपको ये भी मालूम होगा कि सोहनलाल जी को मारने के लिए भी धमकी आई थी, वो जो महिलाएं हैं उनको भी मारने के लिए धमकी आई थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है और आज बहुत अच्छा प्रशासन की व्यवस्था है, इससे काशीवासी बहुत प्रसन्न हैं।